बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को लेकर जब भी चर्चा होती है, उनके परिवार से सबसे पहला नाम आता है माँ सलमा का। सलमान खान अपनी माँ सलमा के बेहद ज़्यादा करीब हैं। दबंग खान और उनकी माँ सलमा को लेकर हमेशा ढेर सारे चर्चे भी होते हैं, लेकिन आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे सलमान खान की माँ सलमा पर नहीं, बल्कि बात करेंगे उन हसीनाओं की जिन्हें दबंग खान इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। वहीं सलमान खान की ज़िंदगी में हसीनाओं का आना जाना तो लगा रहा, लेकिन आज हम आपको उन हसीनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें दबंग खान फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अलीज़े का। सलमान खान अपनी बहन की बेटी अलीज़े को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती है। सलमान खान की भांजी अलीज़े ने वैसे तो अभी बॉलीवुड में एंट्री नहीं की, लेकिन वो इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरा नाम आता है अर्पिता खान शर्मा का, जो दबंग खान की लाडली बहन है। अब अगर बहन लाडली है तो भाई जान तो फॉलो करेंगे ही। सलमान खान अपने सभी भाई बहनों में अर्पिता को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सलमान जिन्हें फॉलो करते हैं, तीसरा नाम आता है यूलिया वेंथूर का। वहीं सलमान खान की र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड है लूलिया वेंथूर। लॉकडाउन के दौरान दबंग खान के साथ उनके फार्म हाउस पर रह रही थी। इनके कई वीडियोज़ भी वायरल हुए। चौथा नाम है बारबी डॉल कैटरीना कैफ का। सलमान और कैटरीना कभी एक दूजे के साथ हुआ करते थे। ब्रेकअप ने इनके दिलों को एक दूजे से अलग कर दिया, लेकिन आज भी दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी चर्चा में हैं, तो दबंग खान का कैटरीना को फॉलो करना तो बनता ही है। उसके बाद नाम आता है संगीता बिजलानी का। वही संगीता बिजलानी के साथ सलमान खान की एक वक्त पर शादी होने वाली थी। शादी तो टूट गई, लेकिन दिलों के तार आज भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद नाम आता है डेजी शाह का, जिन्हें लॉन्च ही सलमान खान ने किया। डेजी शाह पहली बार सलमान खान की फिल्म जय हो में नज़र आई थी। दबंग खान इन्हें भी फॉलो करते हैं। उसके बाद है इसाबेल कैफ, जो कैटरीना कैफ की बहन है। सलमान खान कैटरीना से पहले उनकी बहन को ही फॉलो किया करते थे। जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान की बॉन्डिंग किसी से छिपी नहीं है। दोनों ने कई बार फिल्मों में काम किया है और ये दोनों सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।